आप देख रहे हैं समय 24 न्यूज और मैं जागृति महाजन आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मुंबई के मंत्रालय के बारे में। मुंबई महाराष्ट्र का मंत्रालय खुदकुशी का अड्डा बनता जा रहा है। महीने भर में 2 लोग यहाँ पर आत्महत्या कर चुके हैं, जबकि 1 को आत्मदाह के ठीक पहले पकड़कर उसकी कोशिश को नाकामयाब कर दिया है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवक सर्वेश सिंह जी और भूतपूर्व कमांडो एवं समाज सेवक मुकेश सिंह जी। सर, आप दोनों का समय 24 न्यूज चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले हम सवाल करेंगे सर्वेश सिंह जी से। तो सर्वेश जी, हमें ये बताइए, मुंबई का मंत्रालय खुदकुशी का अड्डा बनता जा रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? लोगों की समस्याओं का जब तक निदान नहीं होगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। ये तो लोग मंत्रालय में खुदकुशी कर रहे हैं, अपने घरों में खुदकुशी कर रहे हैं, खेतों में खुदकुशी कर रहे हैं। खुदकुशी का जो ये सिलसिला है ये चलता ही रहेगा। और जिस तरीके से लोग मंत्रालय में आते हैं, उनका काम नहीं होता, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो लोग आकर के अब मंत्रालय में ही खुदकुशी करने लगे हैं। मगर यही रवैया रहा तो सरकार की, अगर लोगों के काम नहीं होंगे, लोग परेशान होंगे, तो मंत्रालय में जो खुदकुशी का जो ये चल रहा है, एक हर दूसरे तीसरे दिन जो लोग खुदकुशी कर रहे हैं, इसकी परसेंटेज आगे मुझे ऐसे लग रही है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कि लोग अब गाँव में ना खुदकुशी करके सब लोग आकर के इसी मंत्रालय में खुदकुशी करने लगेंगे तो सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो सरकार को अभी समय रहते हुए तुरंत इसका कुछ ना कुछ निदान करना चाहिए कि अगर ये जो खुदकुशी हो रही है, लोग कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी देखें कि क्या तकलीफ है, जो खुदकुशी की है, जितनी खुदकुशियां हुई हैं वो क्यों हुई हैं। अगर शायद हम लोग पहले उस पर इम्प्लीमेंट कर देते कुछ तो शायद ये खुदकुशी नहीं होती। और आगे भी सरकार को ये जरूरी है कि जिस गांव में जहां से भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो तकलीफें उनकी और जितनी भी कंप्लेन आ रही है मंत्रालय में, उसकी ऑन टाइम उसको अगर निपटा दिया जाए तो शायद खुदकुशी कम हो जाएगी। अगर नहीं हुआ तो आगे खुदकुशी मंत्रालय के लिए एक खुदकुशी का अड्डा हो जाएगा, जो गांव में जाके खुदकुशी करने की बजाय मंत्रालय में आके सब खुदकुशी करेंगे। तो मुकेश जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मंत्रालय जो बनाया गया है सभी मंत्रियों के लिए बनाया गया है। लोग आते हैं अपनी समस्याओं का निदान पाने के लिए। अब लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, उन्हें मालूम है कि हमारा आखिरी स्टेज मंत्रालय, कि यहाँ पे हम जाएंगे तो हमारा हमारी समस्या का परफेक्ट निदान मिल जाएगा हमें और हम अपनी समस्या से मुक्ति पा जाएंगे। लेकिन क्या होता क्या है, जब आदमी मंत्रालय पहुँचता है तो मंत्री साहब नहीं मिलते हैं टाइम से, अधिकारी उनकी बातों को नहीं सुनता, आदमी 50 बार 100 चक्कर 1000 चक्कर लगा लगा के जब थक जाता है तब वो ऐसा बहुत बड़ा कदम उठाता है। उसे समझ में आता है कि मंत्रालय जहाँ पे मैं जा रहा हूँ यही मेरा लास्ट स्टेप है, इसके बाद में मेरे पास कोई राह नहीं है, तब वो इतना बड़ा कदम उठाता है और खुदकुशी करता है। तो हमारे लोगों को जो मंत्रालय में नियुक्त है अधिकारी मंत्रीगण, इनको इनकी समस्याओं को समझने के लिए टाइम देना चाहिए और उनको टाइमली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये नहीं इंसान 1000 बार मंत्रालय जाए, उसी मंत्री के चक्कर काटे, उसी मंत्रालय के चक्कर काटे, लेकिन लास्ट तक क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ नीतियाँ बन रही है, इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रहा है और लोगों की समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। सरकार सिर्फ काम किए जा रही है, बता रही है कि काम कर रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी खुदकुशी कर रहे हैं, जिसे ये तो साबित होता है कि सरकार अपने नीतियों में और काम करने में कहीं ना कहीं विफल हो रही है। भले ही वो दिखाए हमें कि वो काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विफल है। तो सरकार को मंत्रालय में आने वाले जो जिनकी समस्याएं कहते हैं टाइमली सुन ली जाए, ऐसे कुछ कहते हैं कि कड़े कानून बनाने चाहिए और टाइमली उसका इवैक्यूएशन करना चाहिए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हर साल 1-2 महीने में कोई ना कोई किसान आत्महत्या कर रहा है मंत्रालय में, और सरकार द्वारा उनको कई आश्वासन दिए गए, उनको वादे किए गए, तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार उन पर सच में अमल हो पाई है या नहीं? देखिए, जहाँ तक आप वादों की बात कर रहे हैं, कोई भी सरकार आ रही है जा रही है, लेकिन
अपने वादे किए जा रहे हैं लेकिन वादों पे कायम नहीं हो पा रही है, वो सभी के लिए करते हैं, चाहे वो जवान हो चाहे किसान हो, सबके लिए अलग अलग वादे करती है, लेकिन वो उनके गलते के सिर्फ मैनिफेस्टो में रह जाता है। एक बार चुनाव जीत के आ जाती है, जो सरकार आती है वो अपने मैनिफेस्टो जो बनाते हैं, जिस मैनिफेस्टो पे वो वोट बैंक जमा करते हैं, उस मैनिफेस्टो पे काम ही नहीं करते। उन्हें वोट चाहिए रहता है, जब उनकी सरकार वोट लेके गलते सत्ता में आ जाती है उसके बाद वही नीतियाँ कहते हैं कि जो नीतियों का कहते हैं कि वो लोग हमेशा अनादर करते हैं कि बोले ये सरकार थी तो इन्होंने क्या किया किसानों के लिए, ये सरकार थी तो इन्होंने क्या किया लोगों के लिए, हम करेंगे। लेकिन जब वही सरकार आ जाती है तो वही सरकार उस पर अमल नहीं करती। वही कहते कि अगर जो दूसरी सरकार आ रही है अगर उसे टाइमली कहते कि जो भी नीतियाँ हैं, जो उन्होंने आश्वासन दिए हैं, जो भी कहते कि लोगों के लिए स्कीम बनाया गया है, जो भी उसमें लूप होल्स है, जो भी पॉइंट्स है जिससे कहते हैं भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, किसानों को कहते कि उनके कहते मुआवजे, उनके कहते कि जो उनको कहते कि मिलना चाहिए वो टाइमली नहीं मिल रहा है, यही कारण खुदकुशी का है। तो उन्हें टाइमली कहते कि हर एक चीज़ का इवैकुएशन करना चाहिए और जितनी भी नीतियाँ बनाते हैं वो ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए उस पर, ये नहीं कि कहते कि पब्लिसिटी लेवल पे, क्योंकि सरकार कहते हैं रोज नई नीति बनाता है और बोलते हैं कि हमने ये निकाल दिया किसानों के लिए, हमने जवानों के लिए ये निकाल दिया, हमने लोगों के लिए ये कर दिया, लेकिन आप देखने जाओगे जमीनी स्तर पे उनको वो चीज नहीं मिल पाती। और इस बीच में खाने वाले बहुत बैठे हैं, चाहे वो हमारे मंत्री हो, चाहे हमारे अधिकारी हो, चाहे बीच का और भी कहते हैं कि बहुत सारे दलाल हैं जो कि उनके कहते कि दिए गए कहते कि मुआवजे जो भी वो खा जाते हैं, तो वो किसान करे क्या, वो लोग करे क्या, और वो लास्ट तक क्या देखे। तो इसलिए सरकार को कहते हैं अपनी नीतियों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सर्वेश जी आपका इस बारे में क्या कहना? हमारा जो देश है किसान प्रधान देश है, अगर किसान हमारे यहाँ पर आत्महत्या कर रहे हैं तो ये बहुत दुखद की बात है, और सरकार के पास कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसकी वजह से किसान आत्महत्या न करे। कोई आश्वासन सिर्फ पेपरों पे चल रहा है, उनको फिजिकली कुछ नहीं मिल रहा है, और यही पहली भी सरकारों में लोग सुसाइड किए, इसमें भी सरकारों में सुसाइड कर रहे हैं, तो दोनों सरकारों में फर्क क्या रहा? हम जब आने से पहले बहुत सारी चीज़ें हमने बात की थी कि ये होगा वो होगा, पर फिर भी सुसाइड हो रहा था, आज भी हो रहा है सुसाइड, लोग अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जब तक कोई चीज़ ठोस कदम नहीं उठा, अगर किसी किसान ने आत्महत्या किया तो क्यों किया उसके फैक्ट में आज तक कोई जाने को तैयार नहीं है, कि अगर एक आज धर्मा पाटिल ने अगर आत्महत्या की तो क्यों की, उस आत्महत्या का जिम्मेदार कौन? वो मिनिस्टर है, वो वहां के कलेक्टर है, वो वहां के एसडीएम है, चाहे जो भी होने दीजिए, अगर उन्होंने सही टाइम पे उसको सही मुआवजा उसकी जो उसकी थी उसे मिल गई होती तो शायद आज धर्मा को हम बचा लिए होते। तो धर्मा जैसे पता नहीं कितने लोग सुसाइड कर चुके हैं अभी, मगर मंत्रालय में धर्मा ने सुसाइड किया इसलिए लोगों को पता चल रहा है ज्यादा, मगर ऐसे तो हर गाँव में पता नहीं कितने हजार लोग सुसाइड कर रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि क्यों कर रहे हैं। अपनी मांगे, जो चीज उनका हक है वो मांगने के लिए अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है। तो आपके हिसाब से सरकार के इस मामले में क्या भूमिका होनी चाहिए? सरकार की भूमिका पेपर की बजाय प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अगर कोई सुसाइड कर रहा है या कोई भी चीज हो रही है, किसी ने कोई कंप्लेन दी, अगर उसकी उस टाइम पे उसकी निवारण हो जाए तो शायद वो अगला स्टेप कभी नहीं ले। अगर कोई किसी के खिलाफ अगर कंप्लेन कर रहा है, अगर एक किसान ने सुसाइड कब करता है आदमी, ये एक लास्ट स्टेज होती है, मतलब उसके पास अब समझ में आ रहा है कि मुझे जीने के लिए कुछ नहीं बचा है, सिर्फ एक ही चीज बची है सुसाइड, और सुसाइड करना समझ लीजिए कि वो इतना तंग हो गया है कि बस चारा नहीं है, उसके पास कोई चारा नहीं है, वो सोच रहा है मैं सुसाइड कर लूं तो ही मैं बच जाऊंगा, नहीं तो अगर नहीं सुसाइड किया तो तकलीफ है उसे। और सरकार की रही बात है जो नीतियों की, सरकार बहुत सारी नीतियाँ हैं, बहुत सारे लोगों से ओपिनियन ले सकती है, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो कि सरकार को बहुत सारी ओपिनियन दे सकते हैं कि भाई आप ऐसे इम्प्लीमेंट करिए, ये कर सकते हैं। पीएमओ ऑफिस में बहुत सारे लोग भेजते हैं, सीएम के पास सब लोग अपना ओपिनियन भेजते हैं,
होना चाहिए सरकार को कि लोगों को बुला करके जो हमारे देश में जो जानकार लोग हैं जिनको इस चीज की नॉलेज हो, हर चीजों की सबकी ओपिनियन लिया जाए और उसमें से फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए कि नहीं, इन्होंने जो ओपिनियन दिया है जो कि लोगों के फायदे के लिए है वो चीजें इम्प्लीमेंट की जाए। तो अगर सब लोगों से ओपिनियन ली जाए और उसके बाद कोई चीज इम्प्लीमेंट की जाएगी तो सक्सेस हो सकती है, नहीं तो सरकार वहां पे मिनिस्टर हमारे देश के तो दुर्भाग्य भी तो है कि हमारे यहाँ जो आईएएस है उस मिनिस्टर का पीए होता है, जो मिनिस्टर पढ़ा लिखा नहीं होंगे वो पता चला हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री होंगे, जो पढ़े लिखे नहीं है वो शिक्षा मंत्री ऑर्डर देते हैं आईएएस को कि तुम्हें ये करना है, मगर उन्हें पता ही नहीं सही क्या है गलत क्या है, क्या पढ़ाई में होना चाहिए नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं है, मगर उसको ऑर्डर देंगे और आईएएस ऑफिसर वही करते हैं, उनको करना है मतलब उनको उनकी बात को सुनना है सही है गलत है वो इम्प्लीमेंट उनको करना है। तो ये चीज है कि हमारे देश में जो मंत्री भी बने हैं जो लोग हो रहे हैं वो ऐसे कैटेगरी के लोग होंगे जिससे उन्हें उस चीज की समझ हो कि वो निर्णय ले रहे हैं वो सही है। जी आपके इस बारे में क्या राय है? देखिए जो हमारे अधिकारी हैं जो हमारे मंत्रीगण हैं जो नीतियां बनाते हैं नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि किसान को ये मिलेगा, जवान को ये मिलेगा, आम पब्लिक को ये मिलेगा, वो नीतियां पेपर तक रह जाती हैं क्योंकि उनका इम्प्लीमेंटेशन, अगर देखिए अगर कोई भी नीति बनाई गई है अगर उसे मान लीजिए किसान है उसे मुआवजा मिलना चाहिए तो तहसीलदार के लेवल पे ही मिल जाना चाहिए, तो तहसीलदार के पास जाने से ही उसका एप्लीकेशन देने से उस किसान का मुआवजा मिल जाए और उसका काम हो जाए तो वो मंत्रालय क्यों आए? नीतियां तो वहीं इम्प्लीमेंट हो गई ना, क्योंकि नीतियां बनाई गई हैं उनके मुआवजे के लिए बनाई गई होगी या तो उनके जो भी कहते कि उनके कहते कि उपज के लिए कहते कि उनको बीज चाहिए होगा उसके लिए बनाई गई होगी, लेकिन वो तहसीलदार लेवल की ही बात है, मंत्रालय की बात नहीं है। मंत्रालय इसलिए आता है वो क्योंकि तहसीलदार लेवल कहते जो नीति तहसीलदार के तरफ से ही काम हो जाना चाहिए वो वहाँ पे नहीं होता, तब तो मंत्रालय आता है। तो सरकार को एक ही चीज ध्यान देना चाहिए, जितनी भी नीतियाँ बनाई गई है उनको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर वो नीति किसान से जुड़ी है तो किसान कहाँ जाएगा मुआवजा लेने, तहसीलदार के पास में जाएगा ना। अगर वो अपने तहसील तक पहुँचे और उसके तहसील तक उसका काम हो जाए तो वो मंत्रालय क्यों आए? एक नांदेड़ का आदमी है, कोल्हापुर का आदमी है, वो वहाँ से मंत्रालय आए, मंत्रालय आने के बाद में मंत्री साहब नहीं मिले, फिर वापस उसको वहीं जाना है, काम तो तहसीलदार से ही होना है, तो ग्राउंड लेवल पे काम क्यों नहीं होना चाहिए? तो सरकार को अपनी नीतियां बना रहे हैं लेकिन बनाने के बाद में नीतियों को फाइल के अंदर ना डालें, उसको ग्राउंड लेवल पे जो अधिकारी है अधिकारी द्वारा उसका इवैक्यूएशन किया जाए टाइम टू टाइम, और इतना कहते कि नौबत ना आए कि वो किसान या आम पब्लिक वो मंत्रालय तक पहुंचे, हर एक चीजों का निवारण उसके उसी स्टेज पे खत्म हो जाना चाहिए। तो आपके मुताबिक क्या बीजेपी को अगले चुनाव में सफलता मिल सकती है या नहीं? देखिए पिछले सरकार को भी हम देख चुके हैं और अभी करते जब से बीजेपी आई हुई है तो हमने ये सरकार को भी देखा, करीबन चार साल हो गए लेकिन चार साल में कहते कि ना तो किसानों में सुधार हुआ है ना तो जवानों में सुधार हुआ है, कहीं सुधार नहीं हुआ है। सुधार होना चाहिए कि हर एक आम पब्लिक को हर एक चीज़ की कहते सुविधा टाइम टू टाइम मिलती रहे, लेकिन कोई सुधार, गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज ला रहे हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं लेकिन वो टाइम टू टाइम उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर कर ही नहीं पा रहे। सरकार पब्लिसिटी डेली कर रही है, मीडिया पब्लिसिटी, सोशल मीडिया पब्लिसिटी, सरकार बहुत बीजेपी सरकार बहुत काम कर रही है इस पे, लेकिन जहाँ पे उनको काम करना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, जहाँ पे उनको मिलना चाहिए, उनको काम करना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, वहाँ पे काम नहीं हो पा रहे। और मुझे भी नहीं लगता कि कहते कि अगली बार कहते कि 2019 के चुनाव में बीजेपी के अच्छे परिणाम होंगे। तो सरकार को
सर्वेश जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? अगर सरकार को, बीजेपी सरकार को अगर अगली बार फिर से अगर आना है तो उन्हें ग्राउंड लेवल पे लोगों के बीच में जाकर के, अभी एक साल बचा हुआ है, एक साल में भी बहुत सारा चीज उन लोग काम कर सकते हैं। ग्राउंड लेवल पे अगर काम करें तो शायद फिर से भी यूटर्न हो सकती है, मगर यही जिस तरीके से पिछले 4 सालों में उन्होंने काम किया, अगर यही रवैया रहा तो अगली सरकार आना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात है कि जो सरकार ने अभी लाखों करोड़ रुपया बुलेट ट्रेन के पीछे खर्च कर रही है, शायद इसकी हमें जरूरत हमारे देश को नहीं है। हमारे देश को तो पहले हमारी जो ट्रेनें हैं उसको ही सुचारू चला ले, इसमें से ही थोड़े से पैसे हम लोग किसानों को देवें तो भी किसान लोग जो इतने सुसाइड किए ना हो। तो जो हमारी ट्रेनें हैं, जो पिछली जो चीजें हमारी हैं उसको ही हम अपडेट कर ले पहले, तो बहादुरी की बात है। यहाँ से हमने एक बुलेट ट्रेन चला दी, यहाँ से एक अहमदाबाद आदमी चला गया बुलेट ट्रेन से, 1,10,000 करोड़ रुपया हमने खर्च कर दिया। जो पिछली ट्रेनें हैं हर हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में ट्रेनों की एक्सीडेंट हो रही है, उसके ट्रैक नहीं चेंज हो रहे हैं, डब्बे नहीं चेंज हो रहे हैं, लोग वहीं परेशान है, पहले उसको तो अपडेट कर लें। तो हम लोग बुलेट ट्रेन की बात करें, हम लोग जापान की बात करते हैं बुलेट ट्रेन, जापान की इकोनॉमी देखिए जाकर के, उससे हम लोग कहाँ कंपेयर करने लगे हैं। हम हमारे को पहले जहां पे है उससे हम, जितनी जापान की पॉपुलेशन के तो कुछ परसेंटेज तो हमारे यहाँ पे हर साल सुसाइड कर लेते हैं, कई लाख लोग हमारे यहाँ जो सुसाइड कर लेते हैं जापान की पॉपुलेशन का वो परसेंटेज है। तो हम ये आगे अगर बीजेपी को, सरकार को अगली बार फिर से रिपीट करना है, अगर फिर से आना चाहती है तो उसे ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। उनके जो नेता लोग हैं, नेताओं को थोड़ी सी, जो बहुत सारे नेता हैं जो उनको इतनी कॉन्फिडेंस हो गई है कि बस मोदी जी हैं, उसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मोदी जी जिता के हमको लेकर चले आएंगे, तो ग्राउंड पे कोई काम नहीं कर रहे हैं नेता लोग। आप बहुत जगह देखते होंगे कोई नेता किसी को मार रहा है, कहीं पुलिस वाले के कपड़े फाड़ रहे हैं, जो ये तरीका है वो गलत है। ये सारी चीज़ें अगर शायद अपने आप को अगर नेता लोग अपडेट करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस करें तो शायद आगे कुछ हो सके, मगर यही रवैया रहा जिस तरीके से अभी तक चल रही है तो अगले साल चांस जो है नील के बराबर है कि सरकार फिर से आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी हमें ये देखना है कि मुंबई के मंत्रालय में जो आत्महत्या हो रही है उसके लिए बीजेपी सरकार क्या कदम उठाएगी। आप देखते रहिए हमारे साथ समय 24 न्यूज़।